राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको राम मंदिर निर्माण कार्यों में होने वाले नए बदलावों के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। प्रभु श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल में प्रभु श्री राम की आत्मा का वास है और जहाँ आत्मीयता होती है वहाँ प्रभु श्री राम की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यों में केवल 1.5 महीने से कम का समय शेष है और इतने कम समय में राम मंदिर निर्माण कार्यों में कुछ नवीनतम बदलाव किए गए हैं। ये नवीनतम बदलाव राम मंदिर के बाह्य परिसर के निर्माण कार्यों के संबंध में किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं की विशेष सुविधा के लिए निर्मित किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियर्स ने हमें बताया कि राम मंदिर के बाह्य परिसर में दो तरह के नवीनतम बदलाव किए गए हैं और इसमें जो पहला बदलाव है वह राम मंदिर में सीढ़ियों के निर्माण कार्यों के संबंध में है। राम मंदिर के बाह्य परिक्षेत्र यानी सिंह द्वार के आसपास जो भी परिक्षेत्र स्थित हैं उसके निर्माण कार्यों में कुछ नवीनतम बदलाव किए गए हैं और LNT यानी जो निर्माणाधीन संस्था है इसके प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद मेहता जी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर के बाह्य परिसर में सीढ़ियों के निर्माण कार्यों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसमें आप सामने देख सकते हैं कि यह राम मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं जहां वर्तमान में इसके रेलिंग के निर्माण कार्यों को तेजी से संपन्न किया जा रहा है और यहाँ आप प्रत्येक स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल दल की विशेष खूबसूरत आकृति बनी हुई है और यह पूरी तरीके से गोलाकार आकृति में है और इसमें जो कमल दल की आकृति है इसको पिंक सैंडस्टोन जो कि मिर्जापुर एवं राजस्थान के धौलपुर से मंगाया गया है और इन पर बारीक तराशी श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला कारसेवकपुरम में की गई है और इसमें कई पत्थर राजस्थान से तराश करके अयोध्या राम मंदिर परिसर में लाए गए हैं। सामने आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह सिंह द्वार यानी प्रवेश द्वार का आंतरिक परिक्षेत्र है और यहाँ पर जो सीढ़ियों के निर्माण कार्य हैं वह लगभग संपन्न किए जा चुके हैं और इसमें जो पत्थर लगाने की प्रक्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है और इसमें फिनिशिंग निर्माण कार्यों को अभी किया जाना बाकी है। और इसके साथ ही जब हम राम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं यानी इसके बाह्य परिसर की जो सीढ़ियाँ हैं जो कि 32 की संख्या में हैं उनके निर्माण कार्यों को तेजी से संपन्न किया जा रहा है और वहाँ पर भी पत्थर लगाने की प्रक्रिया लगभग 80% के आसपास पूर्ण हो चुकी है। यदि आप सीढ़ियों के स्टेप्स को क्रमवार देखेंगे तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि इसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक रखी गई है और LNT द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो स्टेप्स की चौड़ाई है वह 15 इंच के आसपास रखी गई है जो कि काफ़ी आरामदायक है और इससे श्रद्धालुओं को सीढ़ियाँ चढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप उत्तर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की तुलना करें तो आमतौर पर जो स्टेप्स हैं उनकी चौड़ाई कम होती है क्योंकि इससे निर्माण की लागत भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, लेकिन राम मंदिर को काफ़ी अधिक भव्य तरीके से निर्मित किया जा रहा है अतः यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो आप रेलिंग दिखाई पड़ रही है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है और प्रथम जो मध्य का भाग है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे और साथ ही जो किनारे की जो 2 रेलिंग्स हैं वहाँ पर महिलाओं एवं वृद्ध जनों के लिए सीढ़ियाँ होंगी। सीढ़ियों को बेहतरीन लुक एवं बेहतर फिनिशिंग देने के उद्देश्य से यहाँ पर मकराना के खूबसूरत संगमरमर का उपयोग किया गया है और इनको परत दर परत काट करके विभिन्न स्टेप्स में लगाया गया है और इन पर वर्तमान में घिसाई कार्यों को अभी विराम दिया गया है क्योंकि राम मंदिर में
प्रथम द्वितीय तल एवं ग्राउंड फ्लोर में 70 स्तंभों पर मूर्तियों का निर्माण कार्य तेजी से संपन्न किया जा रहा है। अतः इन सभी निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ही राम मंदिर के वाय परिसर की सीढ़ियों को तेजी से बनाया जाएगा और इस पर फिनिशिंग टच देने के बाद ही यहां पर श्रद्धालुओं को चढ़ने की सुविधा प्राप्त हो पाएगी। राम मंदिर की सीढ़ियों के निर्माण कार्यों को दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण हो जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहां पर संगमरमर की घिसाई के कार्यों को ही पूर्ण किया जाना है और इसके पश्चात इस पर पॉलिशिंग के बाद इसको फाइनल टच प्रदान किया जाएगा और जिसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। राम मंदिर के वाह परिसर में होने वाले निर्माण कार्यों में जो दूसरा सबसे अहम बदलाव है वह श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई जा रही लिफ्टों के निर्माण कार्यों के संबंध में है। और यहां आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से राम मंदिर के प्रवेश बिंदु यानी सीढ़ियों के दोनों ओर लिफ्टों का निर्माण कार्य तेजी से संपन्न किया जा रहा है और वर्तमान परिस्थिति में लगभग 30 से 35 फीसदी लिफ्ट निर्माण कार्यों को संपन्न किया जा चुका है। राम मंदिर निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्था L&T द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर के संपूर्ण परिसर में 4 लिफ्टों का निर्माण कार्य किया जाना है और वर्तमान में 2 लिफ्टों पर काम तेजी से संपन्न किया जा रहा है। और राम मंदिर की सीढ़ियों के बगल लगने वाली जो 2 लिफ्टें हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को लगभग 1/3 भाग संपन्न किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में इसके निर्माण कार्यों को अभी विराम दिया गया है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रथम चरण के निर्माण कार्यों को काफ़ी तेजी से संपन्न किया जा रहा है। अतः समय सीमा कम होने की वजह से लिफ्ट निर्माण कार्यों को अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद ही संपन्न किया जाएगा, क्योंकि इसके फर्स्ट फेज में अभी लिफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाना है और इसके सेकेंड फेज में संपूर्ण लिफ्ट को आकार दिया जाएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर में होने वाले नए बदलावों के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन कराए जाने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं निर्मित की जा रही हैं और जिसमें स्लेप मार्ग के निर्माण कार्य के साथ ही 4 लिफ्टों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है और वर्तमान में 2 लिफ्टों के निर्माण कार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही शीघ्रता से संपन्न कर लिया जाएगा, तथा जो अन्य 2 लिफ्ट हैं जो कि प्रथम एवं द्वितीय तल पर जाने के लिए बनाई जानी हैं उनके निर्माण कार्यों को द्वितीय चरण यानी 2024 एवं 25 में निर्मित किया जाएगा, क्योंकि इन लिफ्टों के निर्माण कार्य में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। लिफ्टों के निर्माण कार्यों के साथ ही 4 नए प्रवेश द्वार भी निर्मित किए जा रहे हैं और इन सभी प्रवेश द्वारों के बगल में ही लिफ्टों का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय तल पर जाने के लिए जो 2 अन्य लिफ्टें लगाई जाएंगी, एक रंग मंडप द्वार एवं एक कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप द्वार पर लगाई जाएंगी। और इस विषय में L&T के इंजीनियर ने बताया कि अभी 1 लिफ्ट का निर्माण कार्य प्रथम तल पर जाने के लिए किया जा रहा है और जिसके स्ट्रक्चर के लिए कंपनी को बुलाया गया है ताकि लिफ्ट निर्माण कार्यों को भी शीघ्रता से संपन्न किया जा सके, तथा अन्य जो दूसरी लिफ्ट जो कि कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप द्वार पर लगाई जाएगी उसके निर्माण कार्यों को 2024 के अंत तक संपन्न किया जा सकेगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक चरण में लिफ्टों की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम तल पर जाने के लिए अभी पूर्वान अनुमति ट्रस्ट ने प्रदान नहीं की है। अभी केवल सभी राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के गर्भगृह में ही दर्शन कर पाएंगे, अतः लिफ्ट का प्रयोग आपको 2024 के बाद ही दिखेगा। राम मंदिर के सभी प्रवेश द्वारों पर लिफ्ट निर्माण कार्यों के पश्चात राम मंदिर देश के चुनिंदा ऐसे मंदिरों में होगा जहां लिफ्ट निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है, और दक्षिण भारत के कुछ एक मंदिरों एवं स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ मंदिरों के अलावा
देश में किसी भी मंदिर में आपको लिफ्ट नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के निर्माण कार्यों में होने वाले नए बदलाव के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो, यदि आपको हमारा कंटेंट जरा भी पसंद आया हो, तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।